टनल से शुभ मंगल, टनल से शुभ मंगल। लेकिन बगैर देर करे पहली बड़ी खबर क्या है, वो सीधे ग्राउंड जीरो से टनल के बाहर हमारे सहयोगी शिवांग जो कि नॉनस्टॉप इस कवरेज को अंजाम दे रहे हैं हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। शिवांग, वेरी क्विक रिएक्शन, तीन पॉइंटर्स हमारे दर्शकों को बताइए अभी के क्या है, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 17 दिन से ऑपरेशन चल रहा था वो अपने अंतिम चरण में है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ इस टनल के भीतर मौजूद हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तमाम उत्तराखंड के आला अधिकारी हों, 5 सिविक एजेंसीज हों या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर हों, हर व्यक्ति इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और बेचैनी इस बात की है। आसपास के ग्रामीण के लोग भी यहाँ आ चुके हैं, बेचैनी इस बात की है कि कब वो क्षण आएगा जब उन 41 मजदूरों की तस्वीर हमें सीधे तौर पे नजर आएगी। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ड्राइवर्स को अलर्ट कर दिया गया है, लोकेशन किसी भी वक्त उनको चिन्यानी सौड़ की तरफ लेके जाया जा सकता है। इसीलिए अस्पताल तैयार है, ऋषिकेश का अस्पताल तैयार है, साथ साथ इस टेंट के भीतर जो 6 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया है उसको भी तैनात किया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए टनल के अंदर, प्राथमिक उपचार के अंदर के लिए एम्बुलेंस जो है वो यहाँ तैयार की गई है। तो कुल मिला के तैयारियाँ पूरी हैं। तस्वीरों में देखिए इन महिलाओं को, ये आसपास की ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, ये यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, खास तौर पे इस वजह से। इन महिलाओं से बात करिए तुरंत, इन महिलाओं का रिएक्शन लीजिए, पूछिए इनका क्या कहना है, अगर संभव हो पाए, अगर आपसे वो ज्यादा दूरी पर नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? मैं प्रियंका हूँ, मैं यही सिलकेरा से हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। हम मेरे सभी दोस्त लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकाले, हमें उनको देखना है और अच्छे से भगवान की वो सब जो यहाँ पे टनल पीएम लोग हैं वो पूरे तरीके से तौर तरीके से जो भगवान वासु के नाग के साथ जो देवी देवता हैं उनको भी अपने उससे वो दे, देवताओं को जो उनका ठीक है। पहली बड़ी खबर TV9 पर टनल के पाइप की पहली तस्वीर, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर आएंगे, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर आएंगे, एक और लाइन लिखिए, इसी पाइप से NDRF के जवान मजदूरों को बाहर लाएंगे, एक और लाइन ऐड करिए, इसी पाइप से NDRF के जवान मजदूरों को बाहर लाएंगे, ये बड़ी खबर है। इसी पाइप से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन, एक और लाइन लिखिए, इस पाइप के अंदर लेकर जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर भी, एक और लाइन लिखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल सिर्फ ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ब्रेकिंग और स्टिल्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये पहला फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी पाइप से NDRF के जवान मजदूरों को बाहर लाएंगे, इसी पाइप से ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर जाएंगे, इसी पाइप से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधे चलिए शिवांग के पास। शिवांग, ये तस्वीरें आ चुकी हैं, वो पाइप सामने दिखाई दे रहा है, बड़ा छोटा सा पाइप है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, क्विकली मुझे बताएं जरा। देखिए निशान, 800 mm का पाइप है, पहले 900 mm का पाइप डाला गया था, लेकिन अगर मशीन ने उसको जब अंदर ड्रिल करने की कोशिश की, पुश करने की कोशिश की, तो चट्टान से आवाज़ आने लगी, इसलिए नितिन गडकरी जब यहाँ आए थे तो ऑपरेशन को रोक दिया गया। उसके बाद जब दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो प्लान ए के ऊपर काम किया गया, प्लान ए स्ट्रेटेजी पर काम किया गया और 800 mm का पाइप डाला गया, 800 mm का पाइप सक्सेसफुली अंदर चला गया। और आपको बता दूं कि जो सुरंग बनाई गई है पाइपों की, जो वेल्डिंग करके बनाई गई है और ऑर्गर मशीन ने उसको पुश किया है, बाद में जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम हुआ है, NDRF के जो अधिकारी हैं, जो उसके लोग हैं, वो उसको स्ट्रेचर लेके जाएंगे और स्ट्रेचर से जिसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं, हर व्यक्ति को उसके ऊपर लिटा के बाहर की तरफ पुल किया जाएगा हार्नेस के थ्रू। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो लेके गए हैं कि क्लस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में उनको ऑक्सीजन जो है वो दी जा सके। आप जो बता रहे हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं, खत्म हुआ 400 से ज्यादा घंटे का इंतजार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं मजदूर, ब्रेक करिए, 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा,
विद द वीडियो, दिखाइए जरा। रेस्क्यू की तैयारी पूरी की जा चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रेस्क्यू की तैयारी पूरी की जा चुकी है। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, एक वो पाइप जिससे बाहर निकाला जाएगा, दूसरा रेस्क्यू की तैयारी जो पूरी की जा चुकी है, ये इस वक्त किसी भी वक्त बाहर लाए जा सकते हैं मजदूर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट में आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की टॉप स्टोरी। हमारे जितने भी दर्शक हैं शिवांग वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके पास मैं और रिएक्शन लेने जा रहा हूं। पीसीआर तेजी से दिखाइए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सीधे चलिए, मेरे साथ शिवांग मौजूद है। शिवांग, इन लोगों का क्या कहना है, ये इनको लग रहा है कि अब बस किसी भी क्षण हो सकता है, या ऐसे कई बार कॉल्स पहले भी आ चुके, इन लोगों की व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन, इनका ऑब्जर्वेशन क्या है? बिल्कुल, हम सीधे इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप कहां से आए अम्मा? मैं तो यहीं से हैं। ये बच्चे जो अंदर सब फंसे हुए हैं, आप लोगों के क्या कहना चाहती हैं, क्या चल रहा है मन में? मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, बेचारे उनके माँ बाप भी दुखी होंगे, घर परिवार भी दुखी होंगे, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाए। तो 17 दिनों से जो जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, क्या चल रहा था इतने दिनों से मन में आपके? कभी बोल, हम ना हमारे मन में क्या, हम तो सोच रहे हैं कि अभी बोलते कोई बाहर आओ, अभी बोलते कोई बाहर आए, कभी बोल रहे हैं कि कल आएंगे, कभी बोल रहे परसों आएंगे, यही उम्मीद है कि। शिवांग बी विद मी, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, टनल पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। टनल के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा टनल पर चप्पे चप्पे की निगरानी, ये देखिए जरा टनल के बाहर आर्मी एनडीआरएफ के जवान, टनल के बाहर उत्तराखंड पुलिस की टीम, टनल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए सुरंग से खुशखबरी, ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे लेकर आइए यहां पर। और राहुल मैं जाऊंगा वो जो हमारे पास पहला फुटेज वाली ब्रेकिंग है उसको बगल में प्ले ऑन करिए, लेकिन इसको पहले जूम इन करिए, ये देखिए मलबा 60 मीटर यहां पर काम जारी है, दोनों तरफ से किया गया है, यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, खाना भेजने वाली पाइप ये है, राहत बचाव वाली जो पाइप है वो ये देखिए, यहां से किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन को इस ब्लॉक के अंदर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहता था बगल में जरा वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखा देते आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिलग्यारा राहत वाली पाइप भेजने वाली पाइप, ये देखिए 2 किलोमीटर जो हमारे पास जानकारी आ रही है आप करीब यहां पर जो अभी काम चल रहा है वो मैंने आपको डिटेलिंग दिखाई है। ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। अब हमारे जो खास मेहमान है मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जनरल चतुर्वेदी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल जेके बंसल फॉर्मर मेंबर एनडीएमए वो हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। इस सबके साथ मैं सीधे चलूंगा, मेरा पहला रिएक्शन जनरल बंसल सर के साथ। सर कितनी देर और लग रही है, व्हाट इज योर टेक, हर कोई यही जानना चाहता है। देखिए जो अभी टनल का जो जहां से पाइप डाला हुआ है करीब 3 मीटर का बचा हुआ है, और जो कहते हैं कि 1 घंटे में 1 मीटर निकाल रहे हैं, तो 3-4 घंटे तो लगेंगे ही जब तक कि वहां तक पहुंचा जाएगा जी। लेकिन तैयारियां सारी हो चुकी हैं, जैसा कहा गया है स्ट्रेचर व्हील हैं, मॉक ड्रिल हो चुकी है, एनडीआरएफ के जवान तैयार हैं, डॉक्टरों की टीम है, और जहाँ तक उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जा रही है, जो 6 फीट के और 4 फीट के जो पाइप, 4 इंच के और 6 इंच के जो पाइप गए थे उनके तरफ द्वारा फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही थी, मेडिसिन जा रही थी, साइकोसोशल सपोर्ट उनको मिल रहा था, और वो 41 लोग वहाँ पे हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी है।